안 팔릴 게 원래 죽어야 정을 해 놓는 거 뭐야? 야만 거 가려 개원 번호. 이게 깨보면 가려 돈. मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, वो फ्लैंक किस कर रहा था, फ्लैंक किस कर रहे हो है ना किट्टू किट्टू। अभी ना हम आ रहे हैं बसंत नगर और अभी ही अभी चल ही रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। तो नीचे से तो मेरे को वीडियो बनाने का मौका मिला नहीं है क्योंकि भाई आए थे छोड़ने के लिए, तो वो भी जल्दी में था और ये भी था, ये भी गाड़ी में सो गया था टू व्हीलर में, तो इसलिए कल नीचे चलोगे बेटा आप ऐसे चलोगे? चलो। हेलो, ये देखिए मेरी फ्रेंड जिसका सुबह से इंतजार था और आई अभी और आ रही और जा रही थी हम। अरे है हमारा क्यूटी बच्चा मानस भंडारी है ना, इसने बीच का सारा मोमेंट इसके है। अरे देखिए ये रास्ता तो आप लोगों ने ब्लॉग में बहुत बार देख रखे हैं और इस बार तो यहाँ पे ये चालू भी कर दिया, छाने जो बना रखे थे उसमें गौशाला बना रखा था, यहाँ पे बैल वगैरह बांध रखा बाहर। से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं सरू राणा स्वागत करती हूँ आपका आज की न्यू वीडियो में। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। आज मैं बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, लगभग एक महीने बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ना टाइम ही नहीं मिला। और अभी आई हूँ घर पर, अब यानी बसंत नगर अपने मायके आ रखी हूँ और साथ में मेरा बेटा। हेलो बोल दो, हेलो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो फ्लैंक किस कर रहा था, फ्लैंक किस कर रहे हो है ना किट्टू किट्टू। अभी ना हम आ रहे हैं बसंत नगर और अभी ही अभी चल ही रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। तो नीचे से तो मेरे को वीडियो बनाने का मौका मिला नहीं है क्योंकि भाई आए थे छोड़ने के लिए, तो वो भी जल्दी में था और ये भी था, ये भी गाड़ी में सो गया था टू व्हीलर में, तो इसलिए कल नीचे चलोगे बेटा आप ऐसे चलोगे? चलो। और ये भी ना बहुत बड़ा खुश हो जाता है घर आने के लिए, यहाँ पे गांव में आने के लिए। ये देखिए इसकी हंसी तो रुकी नहीं रही है ना, जी हाँ जी की हंसी तो रुकी नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चे भी काफ़ी हैं, सब लोग हैं, मतलब भतीजे लोग सब हैं, तो इसलिए ये खुश हो जाता है यहाँ पे। और मेरा आने का अभी ऐसा कुछ कारण था नहीं कि मैं आ पाऊँगी यहाँ पे, मतलब अभी कुछ विचार था नहीं अचानक से विचार बना, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है और वो आ रखी है बहुत क्या लगभग दो तीन साल हो गए होंगे, मैं उसको मिली नहीं हूँ अभी तक, दो तीन साल बाद मिली हूँ मैं, मिलूँगी मतलब अभी मिली नहीं हूँ, तो वो भी आएगी मिलने के लिए, उसको मिलने के लिए स्पेशली आ रखी हूँ। और संडे भी है तो इस चक्कर से दुकान से भी छुट्टी है। और गांव में देखिए कितनी खिली खिली सी धूप लग रखी है, यहाँ पर सर्दी तो दिन में लगती ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं, सुबह शाम हल्का फुल्का ठंडा होता है, उसमें भी आग जला लेते हैं तो आग सेक लेते हैं आराम से। बाज़ार में तो बड़ा ठंडा है और हमारे यहाँ तो धूप भी नहीं आती है। और ये देखिए मेरा फेवरेट रास्ता, और ये आ गया है प्रणाम, ये आ गया है आरव, पकड़ अपने बुल्ला को, ऐसा खुश हो रहा है उसको देखिए। ये गिरे ना वो, जान बुझ के कर रहा हो, गोद में उठा उसको। ये देखिए ये रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रणाम प्रणाम,
कि यहाँ पे, और गांव में अगर मौसम भी ख़राब हो फिर भी इतना ठंडा नहीं लगता, फिर भी धूप निकल जाती है, क्योंकि हमारा गांव एकदम से खुला खुला है, पेड़ पौधे भी दूर दूर है, जंगल आप देख सकते हो दूर है गांव से, तो इसलिए धूप मतलब सुबह ही निकल जाती है और शाम तक रहती है धूप। देखिए कितनी अच्छी धूप है, देखिए इसकी खुशी का तो प्रणाम, एक से बढ़कर एक आ रहे हैं यहाँ पे, आधा रास्ते में लेने आ गए यहाँ पे। अरे देखिए ये रास्ता तो आप लोगों ने ब्लॉग में बहुत बार देख रखे हुए, और इस बार तो यहाँ पे ये चालू भी कर दिया, छाने जो बना रखे थे उसमें गौशाला बना रखा था, यहाँ पे बैल वगैरह बांध रखा बाहर, और इसमें लगा रखे हैं आलू, वो अभी जमे नहीं है शायद, अभी अभी लगा मुझे कि अभी अभी लगाए हैं, ये अभी धड़िया बना रखी इनको ना, हमारी पहाड़ी भाषा में जो इस टाइप के बनाते हैं ना आलू के लिए, तो इनको ना हमारी भाषा में मतलब हमारे पहाड़ में हमारे यहाँ गढ़वाल में धड़ी बोलते हैं इनको, तो ये मिट्टी का ढेर सारा बना, तो इसके ऊपर ही आलू होते हैं लगा रखे हैं ऐसे। और इधर साइड गेहूँ भी देखिए लगभग थोड़ा थोड़ा जम ही गए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये ग्रीन ग्रीन से दिख रहे हैं, तो इतने बड़े हो गए हैं गेहूँ भी, ज़्यादा बड़े नहीं, और खेत, और इस वाले खेत में भी आलू लगा रखे चाचा लोगों ने इस बार, तो ये सब चाचा लोगों के खेत हैं यहाँ पे। और धूप देखिए कितनी अच्छी आ रही है, तो फाइनली तो आज है संडे है, और हम अभी नहा धोना भी हो गया, बच्चों को भी नहा दिया है, और कपड़े कपड़े भी हमने धो दिए हैं, और धूप सेक रहे हैं गांव में बहुत अच्छे से, देख सकते हैं आप धूप कितनी अच्छी आ रही है, नींद ही आ रही है धूप में भी, इतना सुकून मिल रहा है धूप में, इसीलिए मैं आई भी, और अभी हम अपनी फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, तो वो भी आएगी अभी, तो फिलहाल हम उसके लिए एक स्पेशल चीज़ बना रहे हैं, क्योंकि खाना तो खाने के लिए वो मना कर दिए, क्योंकि वो कहीं और भी जा रखी, तो वहाँ से खा के आ रही, तो इसलिए हम चाय के साथ लिए बना रहे हैं क्या पकौड़ी, तुम क्या रहे, ये देखिए, और इसके लिए मैं आलू काट रही हूँ, और आलू तो ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे ही हैं घर के आलू ऐसे, धूप में बैठने वाला अभी अभी नहाए, बाल भी नहीं सूखे मेरे, अभी बाल मैंने खुले रख रखे अभी ऐसे, क्योंकि धूप में आनंद आ रहा है, मज़े आ रहे धूप में, और शिवांश को मैंने सुला दिया अंदर, मेरा अकेले लाल हुए आज भयंकर ना, चलो तो फिलहाल हम आलू काट लेते हैं पहले आराम से, क्योंकि अभी तो आए नहीं है, पर आते हैं थोड़ी देर में, बस तक हमारा खड़े हैं, तक ले आलू काट कर दे, फिर आराम से बैठेंगे उसके साथ, हमने सोचा फन फन किया बोले चूहे जाऊँ लगे नो मिल जा मंगो खड़े हो गए वहाँ बढ़ो ठीक है क्या बोल खड़े हो तुम्हें तो बाकी कर रहे हैं हम उसके आने का वेट, देखते हैं कब तक आती है, उनका हस्बैंड भी हैं और बेटा है, तो हम ना पूरे कितने 3 साल या 2.5-3 साल बाद मिल रहे होंगे लगभग, क्लासमेट भी हैं, अच्छे फ्रेंड भी, मतलब बेस्ट फ्रेंड भी हैं हम लोग, और बहुत टाइम बाद मिलेंगे आज, तो इसलिए मैंने तो उसको अभी फ़ोन भी करा था कि खाना यही है, फिर वो बोली खाना मत बनाना, तो इसलिए हम पकौड़ी बना रहे हैं उसके लिए, क्योंकि कुछ तो बनाना पड़ेगा चाय के लिए, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम, और फिर इन्जॉय करेंगे आराम से साथ में, देखते हैं कब तक रहती है वो यहाँ पर, कब तक बैठे रहते हैं, और फिर मैं सुबह चले जाऊँगी बोला, और फिलहाल यहाँ पे ये देखिए धूप में ये अभी नहाया है इसको, और सो रहा आराम से आनंद ले रहा है धूप में, और दूसरी ये गाय भैंसों को भी मज़े पड़ गए हैं धूप में, और आज का सर्दियों में तो धूप भी इतनी प्यारी होती है, धूप से इतना प्यार होता है कि जितना कभी नहीं होता। ये देखिए यार भाभी ना उधर से ला रही है खेत से, वो क्या बोलते उसमें लहसुन ला रही है उसको साथ डालने, क्योंकि अपना ही बोर खा। ये देखिए मेरी फ्रेंड जिसका सुबह से इंतजार था और आई अभी, और आ रही और जा रही थी हम, अरे है हमारा क्यूटी बच्चा, बीच का सारा मानस भंडारी है ना, इसने बीच का सारा मोमेंट इसके कर दिया, हमने बीच में बहुत कुछ बातें करी हम पड़ोसी तो है पर मिलते कभी नहीं है, कितने साल बाद मिले, ये मिल गए
तीन साल बाद बाबा ये देखो जब मैं छोटा था मिले थे हम मतलब मौसी के अरे हमारे जीजू ये हमारे उल्टी बड़ी बना रहे अच्छा आप बोलो मौसी के चैनल को सब्सक्राइब करना बोलो मौसी के चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना शेयर करना थैंक यू थैंक यू बेटा अरे अभी बोलोगे कुछ हाँ तू तीन यार तू मुंह से बच्ची के साथ इधर बछड़ी वो बछड़ी है उधर कैसे करने तो लगे तो क्या है फील्ड फुल्ड नहीं सीखना का फील्ड फुल्ड नहीं सीखना का पूरी चढ़ाई हम नीचे लाए ना साइकिल पर बताया जल्द ज्यादा वो छीता नहीं मतलब थोड़ा थोड़ा सावधान काम ठीक है बच्चों बाद में नाना सीखी करना फिर जानते रहे घंटा को रास्ता भी जैसे तो फाइनली हम इधर रास्ते तक भी आए उनको छोड़ा रास्ते तक क्या थोड़ा सा इधर एक घर के पास में यहीं पे आए हम क्योंकि यहाँ पे ना स्कूटी चले जाती है यहाँ पे रास्ते से तो घर तक ही आती है तो उन्होंने स्कूटी ला रखी तो स्कूटी पे चले गए अभी और ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं उनको अभी कहीं और भी जाना है और बहुत कम छुट्टियां होती है उसकी भी वहाँ पे जॉब करती है और बेटा भी है साथ में तो मसूरी में इस टाइम 2-3 महीने की छुट्टी होती है बच्चों के इसलिए उसको इसी टाइम मिलता है आने का मसूरी रहती है वो और वहाँ पे हॉस्पिटल में जॉब करती है वो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है और अभी उनको उसको कहीं और भी जाना था हमारे घर आने से पहले भी कहीं और जा रखी थी तो सबको मिलना होता जब आते हैं घर में कभी कभी तो इसलिए थोड़ा सा आई और चले भी गई 3 साल बाद लगभग मिले और थोड़ी सी आई पता भी नहीं चला कि आई भी थी मुझे लगा जैसे आई ही नहीं होगी तो मैं भी चलती हूँ अब घर की ओर और धूप देखिए नीचे चले गई है थोड़ी सी रह रखी है अब धूप चलो जी जिनका सुबह से इंतजार था अपनी फ्रेंड का वो भी आके चले गई है नाश्ता वगैरह करके खाना तो उनके लिए बना नहीं पाया क्योंकि उन्होंने मना करा था और कहीं और से भी आए थे अपनी दीदी के यहाँ से इसलिए खाना उनका वैसे था तो यहाँ पे खाया नहीं उन्होंने फिर थोड़ी देर बैठे पता भी नहीं चला दिन का कब निकल गया और धूप भी जाने वाली है लगभग फिर भी अभी भी काफ़ी अच्छी धूप लग रही है यहाँ पे और कपड़े धोए थे लगभग सारे सूख गए हैं कड़ाकेदार धूप में है ना ये बाल कहाँ जा रहे और इसके तो बहुत मज़े हो रहे गाँव में है ना प्रणाम कर दो सबको प्रणाम ऐसे कहते हैं ना प्रणाम अच्छा तो आज की वीडियो को ना यहीं तक रखें क्योंकि उसके आगे कुछ है नहीं बनाने के लिए तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं तो मिलती हूँ मैं आपको नई वीडियो में नई शुरुआत के साथ और तब तक के लिए स्वस्थ रहें मस्त रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जय देव भूमि उत्तराखंड ये देख दो बाय बाय कर दे बाय बाय